स्कूल में जैसे टीचर्स हमें बोलते हैं इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश बुक्स पढ़ो, तो जब बुक्स पढ़ने बैठते हैं, मूवीज़ देखते बैठते हैं, तो सारा फोकस वर्ड्स पे चला जाता है, सबटाइटल्स पे चला जाता है, फिर लास्ट में देखते मूवी किस बारे में थी। तो ये क्वेश्चन था कि कैसे हम इंग्लिश भी सीखें साथ में और स्टोरी भी अगर किसी को बतानी हो तो वो भी बता सके। Why don't we divide it into parts? एक मूवी को तीन बार देखें आप। मैं हमेशा ये कहती हूँ कंटेंट ज़्यादा नहीं आपको कंज्यूम करना है, आप तो कम ही कंटेंट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, रेपिटेशन आप सभी को पता है कि हम रिपीट करते हैं जो भी चीज़, जब भी हम कोई भी चीज़ रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, वही चीज़ सेट होती है। हम एग्जाम्स में क्यों एक दिन पहले बैठ के क्रैमिंग करना शुरू करते हैं, वी ट्राई टू मग अप एवरीथिंग, हमने पहले भी पढ़ा है, बट वो जब दोबारा पढ़ते हैं तो हम एग्जाम में लिख के भी आते हैं, अच्छा लिख के आते हैं। ऑफ कोर्स अगर एक दिन पहले ना पढ़े तो नहीं होता है, क्योंकि हमने एक बार पढ़ा है, दोबारा नहीं गए थे वापस।